नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के नगर निगम में। आप देख सकते हैं PMSHaryana.com यानी कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी आप अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक आखिरी डेट दी गई थी और आज 30 अप्रैल है, यानी कि आज आखिरी दिन है। आज भी आप देख सकते हैं नगर निगम में काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। दो काउंटर्स यहाँ पर है और एक पीछे है नगर निगम। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरों के माध्यम से, तीन यहाँ पर बूथ लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ काफ़ी है। हालांकि जो 30 अप्रैल तक का समय, क्या वो समय सही है, यानी कि 30 अप्रैल तक जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्शन हैं, उनको सॉल्व कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है, वो भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आईडी की अगर मैं बात करूं, करनाल में 1,62,000 आईडी हैं और बहुत सारे लोगों की समस्या निकल कर आई, लेकिन क्या 30 अप्रैल तक सभी लोगों की समस्या दूर हो पाई है, वो भी जानेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? आनंद बिहार से। आनंद बिहार से, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर आए हैं प्रॉपर्टी के लिए अपनी? हाँ, प्रॉपर्टी का वास्ते आए हैं। पता चला, मैं कल ही पता चला कि कैंप लगा हुआ है, इस कारण यहाँ कल ही पता चला। तो आज तो आखिरी दिन है, आखिरी दिन देखते हैं क्या होता है। हाँ, जो होगा देखा जाएगा क्या करें। तो अब अपील ये भी करेंगे शायद कि टाइम जरूर बढ़े। हाँ, बिल्कुल अपील करेंगे। कई लोग होंगे जिनको पता ही, हमारे जैसे लाखों लोग इस तरह के होंगे, तो हम चाहते हैं अपील कम से कम 15 दिन की डेट और बढ़नी चाहिए। तो जो लोग हैं, आप लोगों इसका ऐड करना चाहिए था, बतलाना। बहुत बार कवरेज हमें तो आज ही पता लगा। अब हो सकता है कि अब ये शाम तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डेट एक्सटेंड होती तो कोई बात नहीं। तो अब अपील क्या करना चाहेंगे? चलिए मान लीजिए, हम तो ये चाह रहे हैं आज ही, नहीं हम तो चाह रहे हैं आज ही पता लगा, आज ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। और अगर कुछ लोग रह जाएंगे तो डेट एक्सटेंड होना चाहिए, वो तो श्योर है, होना चाहिए। आप देख सकते हैं 17 फरवरी कि 9/4/2021 से 30/4/2021 यानी कि आज आखिरी डेट है, लेकिन लोगों की समस्याएं अभी भी देखने को मिल रही है। सर, क्या नाम है आपका? मैडम यादराम नाम है मेरा। कहाँ से? मैं मधुबन से हूँ। तो हमें अब आज पता चला कि भाई आईडी बन रही है प्रॉपर्टी की, हम आज आए हैं। आज टाइम लिमिट बहुत है, कम है, काफ़ी पड़े बैठे हैं। मेरी एक हम्बली सबमिशन है प्रशासन से भी, आप जैसे से भी, भाई इसका टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। ऑनलाइन माध्यम से भी आप अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, आपके घर पर भी कंपनी वाले आएंगे? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई जानकारी ही नहीं है। याशी कंपनी से ही हमारे साथ जो सीनियर वर्कर हैं वो भी यहाँ पर हैं, एक बार उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। उत्कर्ष पांडे हैं, क्या कुछ सर बताना चाहेंगे? अभी 30 अप्रैल है, लास्ट डेट है, लोगों की कितनी क्वेरीज आई हैं, कितने ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं? मैम, लमसम 6,200 के आसपास की क्वेरी जो अभी तक हमने रेज करी है, वो 17 फरवरी से हमारा पोर्टल लॉन्च हुआ है और पोर्टल प्रॉपरली गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू लॉन्च हुआ है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पब्लिक कह रही है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नगर निगम के बाहर भी डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, बस स्टैंड पर भी डिजिटल बोर्ड लगे हैं, आज भी उस पर याशी कंपनी के प्रॉपर्टी सर्वे के एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। कमी अवेयरनेस की अभी भी? अवेयरनेस की मैम, ये हाँ, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। मैं ये नहीं कहता कि अवेयरनेस की कमी है, मेरा ये कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 30 तारीख को आपको पता चल रहा है, तो 30 को कैसे पता चला? वाई नॉट 25? वाई नॉट 20? जो आखिरी दिन कैसे पता चल गया अचानक से? आपके बगल में सर्वे हुआ, आपके बगल की प्रॉपर्टी ओनर्स पे गए, हमने सर्वे किया, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, सबका सोल्यूशन किया। अराउंड 6,200 में से हम 4,000 प्लस प्रॉपर्टीज़ को हम उसका निस्तारण भी कर चुके हैं, उसको हम बहुत जल्द पोर्टल पे भी अपलोड करेंगे, तो लोगों को अपनी सही इन्फॉर्मेशन। हमारी जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि 30 वर्कर हैं जिसमें से 20 के अराउंड कुछ फील्ड में भी हैं, तो घर घर भी आप लोग गए थे? घर घर बिल्कुल जा रहे हैं मैम, क्योंकि जो एरिया के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को हम जब तक हम पैमाइश नहीं करते, जब तक उसकी नाप नहीं लेते, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते, तब तक हम उनका एरिया चेंज नहीं कर सकते। स्पेशली और मोस्टली इसमें ऐसे केसेस आ रहे हैं जो वेकेंट है, या फिर जब सर्वे हुआ हमारा पूर्व में कंपनी ने सर्वे किया तो बेनिफिशियरी रिफ्यूज थे, घर में उनको घुसने नहीं दिया, एरिया की नाप नहीं लेने दी, या घर लॉक थे, ऐसे मतलब 40% केसेस ऐसे ही हैं जो जिस टाइम पे सर्वे हो रहा था उस टाइम पे सर्वे में या तो कोऑपरेट नहीं किया। ऑब्जेक्शन किस चीज़ के आया, मतलब किस? मैम, ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोगों ने अपने एरिया की नाप ही नहीं करने दी, कभी बेनिफिशियरी रिफ्यूज थे, लॉक थे, उन घरों के लिए वो ऑब्जेक्शन हमारे पास आ रही हैं। तो क्योंकि कंपनी का काम है कि हमें उनका निस्तारण करना है, तो हम उनका निस्तारण बेशक करेंगे और कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में, आपके वीडियो के थ्रू कहा था कि 30 तारीख लास्ट डेट है, अराउंड 10 दिन शायद उस बात को हो चुके सामने ही, आप भी कंपनी से, अभी कुछ लोगों को तो आज ही पता चला है, वो आज ही आए हैं, तो कैसे? मैम आप डिटेल देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी जो लोग आए हैं, आज 200 300 500
हज़ार लोग भी आ जाएंगे तो मैं किसी को वापस नहीं भेजूंगा। हमें कैंप लगाया हुआ है, हम सबको टोकन सिस्टम के थ्रू हमने सबको दिए हुए हैं टोकन। जिनके पास टोकन है उन सभी की प्रॉपर्टीज़ को किया जाएगा। अब कोई पर्सन आता ही 6 बजे है मैम, ऑलरेडी 300 की लाइन है, तो हम उसको कैसे मैम टाइमिंग्स हम 9 to 5 करते हैं, लेकिन जनरली हमारा काउंटर क्लोज होता है 7 o'clock तक, क्योंकि जो लोग आए होते हैं उनको कभी हम वापस नहीं भेजते। जिस तरीके से अब लोग अपील कर रहे हैं डेट एक्सटेंड करने की, कुछ मैम अपील की बात यही है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्ड बता दें मैम, पेंडेंसी तो ऐसा है कि देखिए आज मेरे पास ऐसे भी केसेस है जिन्होंने मेरे को 30 मार्च को या 15 मार्च को मेरे पास कंप्लेंट दी है कि मेरा नाम चेंज कर दो, 31 मार्च को उसी प्लॉट की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो जाती है, तो वो पर्सन अब बोलता है कि मेरे नाम पर रजिस्ट्री करो। एक प्रॉपर्टी पे एक ही ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है, तो दूसरा ऑब्जेक्शन कहाँ से रेज होगा। अब ऐसे तो मैम नाम चेंज के ज़्यादातर परिवर्तन आ रहे हैं, नाम चेंज तो क्या है कि ये निरंतर प्रक्रिया है, आज प्लॉट मेरे पास है कल उनके पास है, नाम तो बदलता ही रहेगा। और नाम का टैक्स से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेन आइडेंटिटी वो है कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाए कि वो किस कैटेगरी में है और उसका टैक्स क्या बनता है, जिससे निगम जो है निगम को जो टैक्स आना है, निगम को जो भी रेवेन्यू जनरेट होना है उसमें हेल्प हो सके। मेन पर्पज़ ये होता है मैम। अच्छा, दिक्कत सिर्फ लोगों को नहीं कंपनी वालों को भी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि छुट्टी के दिन भी यहाँ पर जो याशी कंपनी के जो जितने भी यहाँ पर तमाम आप वर्कर्स देख रहे हैं जो सिस्टम पर काम कर रहे हैं, छुट्टी के दिन भी यहाँ पर आते हैं, गर्मी इन लोगों को भी लगती है, लेकिन ये लोग भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब बात रही इसकी कि लोगों को जानकारी नहीं मिली, तो उसमें भी आप लोगों की कमी है, क्योंकि आप लोगों ने इस खबर को शेयर नहीं किया होगा। लेकिन अब मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी तमाम लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंच पाए कि आज आखिरी दिन है। हालांकि एक्सटेंड को लेकर क्या कुछ रहता है, क्योंकि पेंडेंसी अभी भी बहुत लोगों की होगी, अभी भी बहुत लोगों के ऐसे ऑब्जेक्शन होंगे जो रिजॉल्व नहीं हो पाए होंगे, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम पर आज भी काम किया जा रहा है, टोकन लोगों को दिए हुए 9 से 5 का समय जो है लोगों के लिए रहता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों से हमने जो बात की उन्होंने यही कहा कि आज ही हमें इस बारे में पता लगे कि प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ही आ जाती है कि इतनी बार हमने भी आपको दिखाया, लेकिन आप लोगों ने इस खबर को शेयर नहीं किया, शायद इसी वजह से ये हर जो है नागरिक तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर इस वजह से करें, ताकि जिन लोगों तक अब तक ये खबर, ये बात नहीं पहुँच पाई है, उन लोगों को PMS के बारे में जानकारी मिल सके कि वो अपने घर बैठे भी ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।